कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कांधे पे मैं सर रख के शाम बैठा था, तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम न था। जोरदार तालियां बजा दें आप भाई सर्वेश अस्थाना के। अंततः मैं आ गया हूं, तीन चार लोग ताली बजाएंगे मेरी हिम्मत अपने आप बढ़ जाएगी। तीन चार लोग का मतलब तीन चार ही था, ज़्यादा नहीं था, ठीक है। सुनील जोगी जी ने मुझे बुलाया, मैं लखनऊ का हूँ, आप सबका प्रिय हूँ कि नहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने इनसे ये कहा था, बहुत मतलब भगवान कसम सही कह रहा हूँ, हमने इनसे ये कहा था कि सुनील भाई कुछ भी करना हमको वीर रस के कवि के बाद मत बुलाना। आप लोग लखनऊ के आप समझ सकते हैं लखनऊ का आदमी क्या कर सकता है। अच्छा, वीर रस के कवि जैसे आशीष अनिल जी थे हमसे पहले, खूब वीर रस की बातें करके आप लोगों का जोश जगा दिया और खुद जाके बैठ गए। अच्छा, ऐसा होता क्या, जोश संदेशों को आ जाता है। एक कारगिल युद्ध जब चल रहा था तो वहाँ पे कारगिल में ही कवि सम्मेलन हुआ, आशीष भाई हमारे गए थे, उन्होंने ऐसे खूब जोश जगाया और जोश जग गया। सवेरे हमने कहा कि हम कुछ करेंगे, अच्छा ये अपना आराम से बैठ गए, इनको तो कुछ करना था नहीं क्योंकि जगा चुके थे। हमने कहा उनको कि नहीं भगवान कसम सही घटना झूठ नहीं, हमने कहा कुछ करेंगे। आशीष भाई क्या करें, आशीष बोले सर्वेश तुम सेना में चले जाओ। हमने कहा सेना में चले जाएं, हमको तो बंदूक ही चलाना नहीं आता। बोले कुछ नहीं, बंदूक उठाना, घोड़ा दबा देना, गोली निकल जाएगी। हमने कहा हमको यही नहीं पता कि बंदूक की नली किधर की जाती है, मेरी संवेदनाओं पर आप ताली बजाइएगा। हमने कहा हमको पता ही नहीं है कि गोली मतलब बंदूक की नली किधर की जाती है। तो आशीष बोले सर्वेश भाई नली तुम चाहे अपनी तरफ करना चाहे दुश्मन की तरफ करना, भला देश का ही होगा। तो हम समझ गए कि इनकी मंशा क्या है, वीर रस का आदमी दूसरे को शहीद करना चाहता है। तो लेकिन हमने कहा कुछ करेंगे, हमने कहा कुछ करेंगे जरूर। तो सवेरे देखा कि लिखा हुआ है कि घायल सैनिकों के लिए रक्त दीजिए, भगवान कसम सही घटना, एकदम सही, झूठ बिल्कुल हम बोलते ही नहीं कभी। तो लिखा था घायल सैनिकों के लिए रक्त दीजिए, सुनील जोगी भी थे, हमने कहा सुनील भाई हम तो रक्त देंगे। बोले तुम दो, हम तो एनीमिया से पीड़ित हैं। सुनील जोगी बोले अच्छा हम ही अकेले बचे, तो हम गए, हमने कहा मैं घायल सैनिकों के लिए रक्त देना चाहता हूँ। तो जैसे हमारा एक बोतल खून निकाला गया हम बेहोश हो गए। मैं अपनी ज़मीन पे खड़े होकर भगवान कसम सही कह रहा हूँ, तो जैसे हमारा एक बोतल खून निकला हम बेहोश हो गए। फिर हमको होश में लाने के लिए 5 बोतल खून चढ़ाया गया। भाई हमने देश के लिए अपना कर्तव्य किया, देश ने अपना दायित्व निभाया, आज दोनों सुरक्षित हैं। सुनील जोगी अभी हमको बुला रहे थे कि वो प्रेमिका की जुल्फों में जुए निकले। मैं इनको समझाना चाहता हूँ, संचालक अच्छे हैं लेकिन प्रेमी बहुत घटिया है। मैं बताता हूँ असली प्रेमी क्या होता है। आप लोग तालियां बजाइएगा इसलिए कि मुझे अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे या न लगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हमारे लिए बजा देना। जरा सा बजा यार, बस 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 बहुत है, इतना बहुत है, बाहर वालों के लिए बचा के रखो। मैं सुनील जोगी को समझाना चाहता हूँ कि इश्क की आग के धुएं नहीं देखे जाते। लखनऊ का हूँ, शायरी भी समझता हूँ, कह भी सकता हूँ, और आप लोग भी लखनऊ के हैं इसलिए इतना सलाह दीजिएगा कि सुनील जोगी को पता चल जाए प्रेम कैसे किया जाता है। इश्क की आग के धुएं नहीं देखे जाते, उल्फत की आग के धुएं नहीं देखे जाते, इश्क की आग के कुएं नहीं देखे जाते, उल्फत की आग के धुएं नहीं देखे जाते, अरे प्रेमिका की जुल्फें देखी जाती हैं जोगी, उसकी जुल्फों के जुए नहीं देखे जाते। ये सही है कि नहीं है, हमने तो आज तक जुए नहीं देखे, आप लोग भी नहीं देखे। बहुत अच्छे। अच्छा, आज मैं तो लखनऊ महोत्सव से बहुत पीड़ित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। आर के पांडे जी बैठे हैं एडीएम साहब, मैं उनको साक्षी मान के कह रहा हूँ, भगवान का सब, मैं बहुत पीड़ित हूँ। जब आओ तो गेट बदल जाते हैं, मेन एंट्री इधर से, पिछले साल उधर से थी, इस बार इधर से। अच्छा, हमने इस बार जुगाड़ करके वीआईपी वाला पास ले लिया।
अपनी कार पे चिपका लिया। अब हमको यही नहीं पता वीआईपी गेट किधर। नहीं भगवान का सही बता, झूठ बिल्कुल नहीं, एक सब मीडिया वाले बैठे हैं, हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते हैं। आपको पता है वीआईपी गेट किधर? अच्छा, हम अपना मारुति 800 से चले आ रहे हैं, तो यहाँ पे गोल गोल चौराहा था, हमको ये भी नहीं पता कि बिजली पासी चौराहा है। वहाँ हमने पूछा भाई साहब, एक पुलिस का आदमी खड़ा था, हमने कहा पूछ लें कि वीआईपी गेट किधर है। अच्छा आना था भाई, थे ही यहाँ पे, आमंत्रित थे, तो हमने कहा पूछ लें किससे, तो मन में आया कि किसी पुलिस वाले से पूछ लें, वही जिम्मेदार होते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी पुलिस पे होती है। तो हमने एक पुलिस वाले से, भगवान कसम सही घटना उधर चौराहे के, तो हमने कहा भाई साहब ये वीआईपी गेट किधर है? तो एक पुलिस के सज्जन खड़े थे, वो हमको देखते रहे, बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब हम बड़े परेशान के, पुलिस वाले भाई ने ये क्यों कहा कि किसी आदमी से पूछ लो, क्या पुलिस आदमी नहीं होती? लेकिन हमको यहाँ आने की जल्दी थी, अनूप श्रीवास्तव जी का वो आदेश था कि 7 बजे पहुँच जाओ, 7:15 बजे कवि सम्मेलन शुरू होगा, 11 बजे शुरू हुआ। तो खैर हम फिर आगे बढ़े, एक दरोगा जी थे, शायद दरोगे ही होंगे, 2 स्टार लगे थे, मोटरसाइकिल पे बैठे थे। हमने कहा इनसे पूछ लें, हमने कहा भाई साहब ये वीआईपी गेट किधर है? बोले क्यों, बिल्कुल भगवान कसम सही घटना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको उधर जाना है। बोले क्यों? हमने कहा हमको उससे अंदर जाना है। बोले क्यों? हमने कहा आज कवि सम्मेलन है। तो उन्होंने कहा क्यों? इस बात पे अच्छी ताली बज सकती थी, लेकिन आप लोग लखनऊ को बदनाम करने अब तुले हुए, हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूर हैं। बहुत अच्छे दरवेश। तो उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा भाई आज लखनऊ महोत्सव का कवि सम्मेलन है, मैं कवि हूँ। तो उसने हमको देखा ऊपर से नीचे, बोला तुम कवि हो? बिल्कुल भगवान का सबसे सही घटना। बोले तुम कवि हो, देखने में तो आतंकवादी लगते हो। तो हमने उससे पूछ लिया आतंकवादी होता क्या है। हमारा लखनऊ व्यंग की अच्छी बात सुने, हमने पुलिस अफसर से पूछा, हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं, लखनऊ मेरा शहर है, मैं जानता हूं कि कविता की तमीज, कविता की समझ, व्यंग की पकड़ हमारे शहर की रग रग में है। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। व्यंग पकड़ना हमारे शहर के लोगों, इज्जत आपके हाथ में आपकी। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए लेकिन हम क्या बताएं, हमारे जहन में वही गूंज रहा कि वो पुलिस के भाई ने ये क्यों कहा किसी आदमी से पूछ लो, यही घूमता रहा वहां से इधर आते आते। तो रास्ते में हमने शोध किया कि पुलिस ने क्यों कहा कि आदमी से, मतलब किसी आदमी से पूछ लो। तो हमारे शहर में कहा जाता है पुलिस आई है। अच्छा, जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं, जैसे इधर खड़े हैं कुछ, बैक स्टेज में भी बैठे, तो जब खड़े होते हैं तो कहा जाता है पुलिस खड़ी है। देखिए मैं बिल्कुल ईमानदारी से भगवान कसम सही बात कह रहा हूँ, जब पुलिस के लोग चले जाते हैं मीडिया वाले भी जाते हैं, जब पुलिस के लोग चले जाते हैं तो कहा जाता है पुलिस चली गई। तो जो आई है, जो खड़ी है, जो चली गई, वो पुरुष कैसे हो सकती है? वो सही, बहुत बढ़िया सर्वेश, वाह वाह वाह, वो स्त्रीलिंग होगी। तो मैंने एक शोध किया, मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े लोग, आदरणीय किशन सरोज जी जैसे बड़े कवि, महाकवि यहाँ पर आमंत्रित हैं। ये मंच आज धन्य है कि किशन सरोज जी यहाँ पर हैं। मैं अपना शोध आपके सामने रखता हूँ, अगर शोध अच्छा लगे तो जो लोग हमें जानते हैं वो ताली बजा दें, जो न जानते हैं वो संवेदना की ताली बजे। अच्छा, आप पुलिस वाले का दृश्य अपने सामने रखिए, मैं अपना शोध रखता हूँ, अगर सही निकले तो आप अप्रिशिएट कीजिएगा। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। पुलिस जो सीटी बजाती है, सीटी स्त्रीलिंग। पुलिस जिस मोटर, धीरे धीरे तालियां बढ़ाइएगा, मैं धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाऊंगा। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। पुलिस जो सीटी बजाती है, सीटी स्त्रीलिंग। पुलिस जिस मोटरसाइकिल पर चलती है, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग। पुलिस जिस जीप पर चलती है, जीप स्त्रीलिंग। पुलिस जो गिरफ्तारी करती है, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग। पुलिस जो हथकड़ी लगाती है, हथकड़ी स्त्रीलिंग। पुलिस जो धारा लगाती है, धारा स्त्रीलिंग। पुलिस जिस हवालात में ले जाती है, हवालात स्त्रीलिंग। पुलिस जो पूछताछ करती है, पूछताछ स्त्रीलिंग। पुलिस जो इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी स्त्रीलिंग। पुलिस जो
तफ्तीश करती है तफ्तीश स्त्रीलिंग, पुलिस जिस कचहरी में ले जाती है कचहरी स्त्रीलिंग, पुलिस जो सुनवाई करवाती है सुनवाई स्त्रीलिंग, पुलिस जो सजा दिलवाती है सजा स्त्रीलिंग, पुलिस जिस जेल में भेजती है जेल स्त्रीलिंग, पुलिस जिस कोठरी में बंद करवाती है कोठरी स्त्रीलिंग, और पुलिस जो जमानत करवाती है जमानत स्त्रीलिंग, और पुलिस जो रिहाई करती है रिहाई स्त्रीलिंग। इसलिए टॉप टू बॉटम पुलिस स्त्रीलिंग। बहुत बढ़िया भाई सर, वाह 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 वाह। पीछे से हमको संजय झाला की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जो युवा रचनाकार से सम्मानित हैं। सम्मानित हैं तो हैं, उन्होंने कहा डंडा। संजय झाला जी को मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन मेरे शहर के बहुत अच्छे और पढ़े लिखे लोगों, मैं खुद अपनी बात से असहमत हूँ। पढ़ा लिखा और समझदार आदमी वही है जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए। पुलिस पुल्लिंग भी होती है, क्योंकि मुझे सुरक्षित जिंदा गोमती नगर अपने घर भी जाना है। नहीं भगवान कसम से कह रहा हूँ, झूठ नहीं। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। सुनील जोगी ने कहा कैसे, हमने कहा कभी अकेले में मिलो। अब अकेले में मिलो मतलब नहीं कि बिजली पासी किला के पीछे मिल लो, अकेले में मिलो का मतलब ये है कि किसी पुलिस वाले को आप सिंगल देखें तो हमेशा पुल्लिंग होता है। मैं अपने शोध का खंड खा प्रस्तुत करता हूँ, आप लोग ताली बजाइए। खंड खा प्रस्तुत, स्वागत है, आवाज़ भी आई। खंड खा प्रस्तुत करता हूँ। अब पुलिस का चित्र फिर से अपने सामने रखिए। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, सीओ पुल्लिंग, डिप्टी एसपी पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ हमारे शहर के पांडा जी को छोड़ के बस। आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग, अर्थात हमारा शहर तैयार रहे, अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों। यानी देखिए वैज्ञानिकता भी, यानी संतोष आनंद जी कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच के हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि संतोष आनंद जी ने ये सब क्यों कहा। अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते, यानी जब इन दोनों गुणों का, आपकी तालियां तैयार रहे, वैज्ञानिक तथ्य देने जा रहा हूं, यानी जब इन दोनों गुणों का बराबर बराबर मात्रा में समावेश किया जाता है, बढ़िया सर्वेश, वाह वाह वाह, तब जो गुण तैयार होता है वो हमारे देश की पुलिस का गुण होता है। लेकिन मेरे लखनऊ महोत्सव में आए हुए हमारे शहर और बाहर के तमाम अच्छे लोगों, अब जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर पंडाल भरतालियाँ मुझे चाहिए, पंडाल भरतालियाँ मुझे चाहिए। जो अब मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की सियासत हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, महीने भर के अंदर प्रदेश से आतंकवाद का जड़ से सफाया। 12 घंटे की 24 घंटे की लगातार ड्यूटी, आप चाहते हो कि वो ठीक से काम करे, 8 घंटे की आप ड्यूटी दीजिए। मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आप 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस को दे करके देखिए, आप देखिए कि ये पुलिस अमेरिका और जापान की पुलिस जैसी कर्मठ न हो जाए, तो मैं दावा कर सकता हूँ। वाह भाई वाह। जब जब शोषण होता है तब तक विद्रोह होता है, और इसीलिए हमारी पुलिस बदनाम होती है। मैं अपनी पुलिस को प्रणाम करके एक अपनी प्रतिनिधि रचना पढ़ना चाहता हूँ। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। आप अगर राजनीतिक स्थितियों को देखेंगे तो आप मेरी व्यंग्य की कविता को हृदय से समझ पाएंगे। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। हमने वहां के क्लर्क से पूछा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है, समझना, हमने वहां के क्लर्क से कहा भैया बंदा तो स्टूडेंट है, वो बोला तुम्हारे लिए छूट 100% है।
हमने वहां के क्लर्क से कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है, वो बोला तुम्हारे लिए छूट 100% है, ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ, जिसके घर में युवा हो उसकी तालियां चाहिए। वो बोला ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ, फ्री में फूके जाओ। बोला ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ, फ्री में फूके जाओ। और बताने लगा, माननीय आर के पांडे जी बैठे हैं, बहुत पढ़े लिखे एडीएम है यहाँ के। बोला ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ, फ्री में फूके जाओ। और बताने लगा, यदि रोजगार की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं। मैं व्यंग का कवि हूँ और आप व्यंग को व्यंग की तरह से सुन लें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर बोला, यदि रोजगार की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं, तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। बोला यदि रोजगार की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं, तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। हम आपको यकीन सहित बताते हैं, हम आपको यकीन सहित बताते हैं, अब इस देश में तो नहीं दिला पाते लेकिन ऊपर नौकरी दिला, अब इस देश में तो नहीं दिला पाते लेकिन ऊपर नौकरी दिलाते हैं। और बताने लगा कि नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं। अरे नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। वाह भाई वाह वाह वाह। नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। जब किसी धर्म निरपेक्ष नेता के कारण पढ़े लिखे लोग पढ़ी लिखी बात को समझें और ताली इसलिए बजाएं कि अच्छी बातें मंच हमेशा कहे। नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। जब किसी धर्म निरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है, जब किसी धर्म निरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है, तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है। वाह भाई वाह। जब किसी धर्म निरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है, तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है और मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं। व्यंग देखिए, मृत पुलिस वाले की आत्मा को हमको एक बार एक पुलिस वाला मिल गया, नेताजी के पीछे चल रहा था, उसके पास एक बंदूक थी छोटी सी, उसमें चारों तरफ छेद थे। हमको यही नहीं पता, आज तक भगवान कसम नहीं पता कि गोली किस छेद से निकलती। तो हमने उससे पूछ लिया, भाई साहब गोली किस छेद से निकलती? तो उसने कहा मार के बताऊं क्या? तो मैंने जो बात कही उसमें विंग जो छुपा हुआ है उसको समझ गया। उसने कहा मार के बताऊं क्या? मैंने कहा नहीं, आप नेताजी के लिए रखे गए हैं। मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं, मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं। लाश की जेब में भी 5 का नोट रख कर तभी अग्नि लगाते हैं, लाश की जेब में भी 5 का नोट रखकर तभी अग्नि लगाते हैं। और कविता का अंतिम चरण, जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया, लेकिन मर कर भी कम से कम अपने एक बेरोजगार बेटे के हाथ में नौकरी तक गया। देवराज अरोड़ा जी, मनोज जी और हमारे बैठे हैं, पुस्तक मेला करते हैं, बहुत बड़ा पुस्तक मेला इस शहर में करते हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि जब किसी नौकरीशुदा बाप का, उमेश ढल जी को, शुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया लेकिन मर कर भी कम से कम अपने एक बेरोजगार बेटे के हाथ में नौकरी धर गया। मैं ऐसे पिताओं का अंतिम पंक्तियां विदा कर दीजिए, मैं ऐसे पिताओं का आह्वान करता हूं कि वो आएं, मैं ऐसे पिताओं का आह्वान करता हूं कि वो आएं और भारत रत्न से भी बड़ा शमशान रत्न ले जाएं, शमशान रत्न ले जाएं।